अभी जैसा टाइम चल रहा है कि सारे लोग अपने घरों में बंद पड़े हुए हैं लगभग लॉकडाउन की वजह से, और ऐसे में मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। कुछ करने में सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि आप कुछ पढ़िए, और अगर कुछ पढ़े हैं और ऐसा लगा है तो वो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं शशि थरूर की एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है कि वो कैसे, वो उस वक्त दिल्ली में रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ और छुट्टियों में जाते थे अपने गांव, और वहाँ पर उनके कज़न होते थे और पूरा फैमिली था, मिक्स करते थे, कैसे लोगों के साथ खेलते थे। वहाँ इस उस बुक की एक पॉइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। उसमें एक ऐसे कास्ट और उससे रिलेटेड एक लड़के के बारे में डील किया गया था कि वो लड़का जो है वो बहुत गरीब है, इनके साथ खेलता है, उनका कज़न जो है उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करता है। वो लड़का जो है वो गरीब बैकग्राउंड का है और उसके फादर की हलवे की एक दुकान है। अब शशि थरूर जो है वो दिल्ली से आए हैं, वो ओपन माइंडेड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खेल लेते हैं, लेकिन कज़न जो हैं वो उनके गांव में रहे हुए हैं, तो जो एक वो कास्ट और इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग है वो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, और वो लड़का जो है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है। कहानी मूव करती है, कहानी में और बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। फिर क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि वो लड़का जो है कलेक्टर बनता है, डीएम, और जिस कज़न ने उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया होता था वो उसका कुछ जमीन जो है वो सीलिंग में चला जाता है, और शशि थरूर जो है वो उस वक्त गांव गए होते हैं और वो जा करके मिलते हैं उससे, और वो ये एश्योर करता है कि भाई हमारा जो कुछ बन पड़ेगा हम उसमें करेंगे, पूरा पूरा रिकवरी तो नहीं होगा जमीन का, लेकिन स्टिल हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जमीन के कुछ हिस्से जो हैं वो वापस मिल जाए। कहानी का ये सेगमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरीके से आप अपने हार्डशिप्स को ओवरकम कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ करके जो है आपका लाइफ और लाइफ से रिलेटेड जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो बदल सकते हैं। अब मैं एक दूसरे बुक की बात करूंगा, ये एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये बेसिकली उन्होंने एक स्पीच दिया था हार्वर्ड में, उस स्पीच से रिलेटेड ये बुक वहीं पर बनी। स्पीच का ये थीम था कि क्या अंग्रेजों को उन कॉलोनीज को जिसे उन्होंने गुलाम बना रखा है क्या कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए, और हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें डिस्कस करते हैं, तो हिस्ट्री के बुक में या जो इकोनॉमिक्स की भी बुक है उसमें इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां पे पढ़ाया जाता है कि व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, हाउ दे कंसोलिडेटेड, व्हाट वर द डेवलपमेंट्स दे क्रिएटेड हियर। ये बुक जो है ये बहुत ही लॉजिकल बुक है, और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से खोलती है और बताती है कि ब्रिटिश एम्पायर ने क्या दिया, क्या लिया, कितना ज़्यादा ले लिया, और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को क्रिपल किया, हमें इंटेलेक्चुअली क्रिपल किया, और जो वो डींगे हाँकते हैं, गाल बजाते हैं कि हमने ये दे दिया, हमने तुम्हारे इंडिया को इंडिया बनाया, हमने कंसोलिडेट किया, हमने ट्रेन लाया और हम पोस्टल सर्विसेज लेकर के आए, या हम जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम किया, ये सारी चीज़ों को, मतलब ये जो है वो वन साइडेड नहीं लिखी गई है बुक, वन साइडेड नहीं लिखी गई है कि इसमें सिर्फ नेगेटिव बता रहे हैं या सिर्फ पॉजिटिव बता रहे हैं। जो कोई सिचुएशन है और उसका जो मतलब रेलिवेंट एक्सप्लानेशन हो सकता है वो इस बुक में बताई गई है। यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे शशि थरूर की ये आप देख रहे हैं इंडिया, ये पैक्स इंडिका, वाई एम ए हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवल, उसके बाद द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेलफोन, बुकलेस इन बगदाद। इसके अलावा और भी कुछ बुकें हैं, तो चूंकि मैंने इन सारी बुकों में से इसको मैंने थोड़ा पढ़ा है, एक और बुक को पढ़ा है और इसको पढ़ा है,
तो इसके बारे में मैंने बात की। इन्हें जब मैं पढ़ता हूं तो मैं अपने नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें क्या है।